हेलो, अपनी क्लास में जो अपना चैप्टर चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज टॉपिक लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको फिर से स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन अब लग रहा होगा कि स्टेबलाइजेशन में पिछली वाली वीडियो में हमने डाला था वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेबलाइजेशन, ये इसको स्थापित करना, और इस बार हम फिर से कह रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को ही स्थापित करना। लेकिन इसमें दूसरा मेथड से मतलब ये कि इस बार जो कार्य किया गया, यानी वर्क जो संपादित हो रहा है, कार्य जो हो रहा है, वो एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा हो रहा है। जो पहले वाला केस था उसमें कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, तो आज हम फिर से लेते वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा को, लेकिन इस बार जो फोर्स है आपका वो वेरिएबल है, यानी परिवर्ती है। पहले फोर्स जो लिया था वो कांस्टेंट था। फिर देखें एम मास की कोई एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, इस पर फोर्स एफ कुछ समय के लिए लगाया गया। फोर्स कैसा है? परिवर्ती है, जिसके कारण से इसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। इस दौरान हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करके दिखाना है, यानी इस दौरान जो किया गया कार्य है उसको हमें बताना है कि वह गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम मानते हैं कल स्टार्टिंग से चलेंगे कि पहले इनिशियल वेपर उसकी काइनेटिक एनर्जी को के से दिखा रहे हैं, ठीक, या हम के ही करेंगे पूरा। काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म हो गया, के इक्वल क्या होगा, हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी यू टी, तो हाफ एम यू स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम समय दर निकालें, यानी समय के साथ परिवर्तन कितना आ रहा है, दोनों पक्षों में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी के वाई डी टी इज इक्वल। अब के लिख रहे हैं, के की जगह पे यहाँ के लिख दिया, ई नहीं लिखेंगे, के लिखते जाएंगे यार। यहाँ हो जाएगा हाफ एम, यहाँ आएगा डी यू स्क्वायर वाई डी टी। अब लग रहा होगा कि आज ने यहीं पर ये डी वाई डी टी क्यों लिख दिया, एम के आगे क्यों लिखा, इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि एम में परिवर्तन थोड़ा हो रहा है, एम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल किसमें हो रहा है, यू से वेलोसिटी वी हो रही है, इसके कारण से एफ के वजह से, तो यहां पर यू में चेंज आना है, इस वजह से वेरिएशन जो होगा समय के साथ वो यू का होगा ना कि एम का, इस वजह से ऐसा लिखें। अब यहाँ डी के वाई डी टी इज इक्वल हाफ एम, और यहां पर अब डबल डिफरेंशिएशन से मतलब क्या है, यहाँ टी में वेरिएबल के रूप में और ऊपर क्या है, यू है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो यू को अकेला डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ ध्यान होगा पहले बता चुके हैं हम डी वाई डी एफ एक्स टू दी पावर एन, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में ही एक्स टू दी पावर एन को डिफरेंशिएट किया जाए तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है, ठीक। इस फॉर्मूले को उपयोग करें, पहले यहाँ आएगा टू यू केवल, लेकिन अब यू नीचे टी है ऊपर वेरिएबल क्या है, यू, इस वजह से फिर से लिखना पड़ेगा डी वाई डी, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया और दोनों पक्षों में डी की डी की थे तो हम कैंसिल कर देते, यहाँ क्या बचा, डी के इज इक्वल एम यू और डी यू, कितना बच गया, एम यू और डी यू अपॉन डी टी, ये सब पूरा लिख दिया। अब ये हम जानते हैं वेग परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है, वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण यानी एक्सीलरेशन कह रहा है, इस वजह से यहां लिखा जाएगा एम यू और के, तो यहां हो जाएगा डी के अपॉन डी टी। अब हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ से एफ इक्वल एम ए होता है, इस वजह से यहां लिखा जाएगा डी के अपॉन डी टी इज इक्वल एफ इंटू यू। अब यू क्या है, यू को अगर हम विस्थापन परिवर्तन की समय कर लेते हैं तो यही समीकरण बन जाएगी डी के अपॉन डी टी इज इक्वल एफ, और यहाँ डी एफ अपॉन,
अब यहाँ हम dt से dt ये कैंसिल कर लें। अब ऊपर देखें तो जो हमारी इक्वेशन बची है वो बची है dk इक्वल f dx। ये अभी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखी, अगर हम सामान्य समीकरण बनाना चाहते तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे विद लिमिट। लिमिट से मतलब क्या है, यहाँ पर k में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो प्रारंभिक अवस्था में जब उसकी वेलोसिटी u थी, जब उसकी गति ऊर्जा मान लो ke1 थी, और जब उसकी वेलोसिटी बाद में v हो गई, उसकी गति ऊर्जा ke2 हो गई, तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 dk, वहाँ लिखेंगे ke1, यहाँ लिखेंगे ke2। यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन का मार्ग लगाएंगे और dx। अब यहाँ x में परिवर्तन कहाँ से होगा, यानी विस्थापन में परिवर्तन, तो मान लिया पहले वो x1 x अक्ष पर चल रही थी बस, उसकी मूल बिंदु से दूरी x1 थी, यहाँ कितनी हो गई। अब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आएगा k दिखाई या k आएगा इंटीग्रेशन करने, और यहाँ पर लिमिट होगी ke1, यहाँ होगा ke2, यहाँ f, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट नीचे की x1 ऊपर, अब लिमिट रखते हैं तो आएगा ke2 माइनस ke1 इक्वल f, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस लिमिट यहाँ पर रखें। अब ये बाद की ke में से प्रारंभिक अवस्था है ke घटाओ तो क्या आएगा डेल्टा ke, यानी गतिज ऊर्जा का परिवर्तन, बराबर प्रारंभिक अवस्था में विस्थापन x1 था, बाद में विस्थापन x2 हो गया, तो अब ये वास्तव में है क्या f into delta x है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी w की, तो यही हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि इस दौरान किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर है, यही हमें सिद्ध इस प्रकार